अस्सलामुअलैकुम ज़मीन एक सियारा सवाल चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण कैसे होता है। जवाब चांद ग्रहण जब जमीन हरकत करती हुई सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो चांद पर जमीन का साया पड़ता है और चांद ठीक दिखाई नहीं देता। इसे चांद ग्रहण कहते हैं। सूरज ग्रहण जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है तो जमीन पर चांद का साया पड़ता है और जमीन से सूरज ठीक दिखाई नहीं देता। इसे सूरज ग्रहण कहते हैं। ये हमने मॉडल तैयार किया है चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के लिए हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को समझाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको हमने सूरज शो किया हुआ है और ये चांद है, ये ज़मीन है। सूरज की रोशनी चांद पर पड़ रही है। जब ज़मीन हरकत करती हुई आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हुई सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो चांद पर साया पड़ता है तो वो तारीख हो जाता है, इसीलिए इसे चांद ग्रहण कहते हैं। जबकि अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि ये सूरज की रोशनी ज़मीन के ऊपर पड़ रही है तो ये रोशन है, जैसे ही चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है तो ज़मीन पर चांद का साया पड़ता है तो ज़मीन से सूरज ठीक दिखाई नहीं देता। इसे सूरज ग्रहण कहते हैं।